Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to my YouTube channel. If you guys are new, namaste sabai janalai. Aaj ko mere YouTube video mein tapailai fer pani swagat cha. Namaste sabai jan ko. Aaj ke mere YouTube video mein aap log ka ek baar fir se main swagat karti hu. Aur aap log ko pata chali gaya hoga ki aaj main kiske bare mein baat karni hu. Ji, ek baar fir main baat karne wali hu Sara Q&A ke bare mein. तो ये Q&A बहुत ही स्पेशल है. इंस्टाग्राम पे मेरा 10K हो गया था तो मैंने एक स्टोरी डाला था जहाँ पर मैंने डाला था आप कुछ भी आप मेरे बारे में जानना चाहते हो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं यूट्यूब में वो सारा वीडियो विद इन अ वीक में फिल्म करके डाल दूंगी बोल के. तो बहुत सारा DM आया पर बहुत सारा DM उसके बारे में था, एज के बारे में जानना था, किसी को मेरे जॉब के बारे में जानना था, किसी को मेरे स्किन के बारे में जानना था, घर के बारे में जानना था, मेरा कोई सिबलिंग्स है या नहीं उसके बारे में जानना था. मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने आई थिंक पहले वीडियो में भी रिप्लाई कर दिया था, पर हर एक दिन क्या होता है कि नया सब्सक्राइबर्स होता है, फॉलोअर्स होता है, इसलिए मतलब उन लोग को पता नहीं रहता है, वो लोग वो वीडियो नहीं देखते, तो इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन सिमिलर आया था. कोई नहीं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा या थोड़ा सा भी पहले वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है, मैं सबका मैं रिप्लाई करूंगी आज इस वीडियो में. ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन ही होगा आज भी मैं वो जो रिप्लाई करूंगी, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा. अगर ये वीडियो में मैं सारा क्वेश्चंस का आंसर दे ना पाऊँ तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बोल सकते हो कि आपका क्वेश्चंस क्या है, क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, सो दैट मैं जब दूसरा Q&A करूंगी मैं यूट्यूब से भी थोड़ा क्वेश्चन ले आऊंगी और वो वीडियो में आपका कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी. तो बिना देरी करे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव यू बीन डूइंग दिस डेज. आई हैव बीन डूइंग प्रीटी गुड, यू गाइस कैन सी आई एम सो हैप्पी फिल्मिंग यूट्यूब वीडियोस. जिम कर रही हूँ, खा रही हूँ अच्छे से, फ्लाइट जा रही हूँ, कभी कभी ड्यूटी हो रहा है, सो मेरा तो दिन अच्छा ही जाता है हमेशा. अगर किसी दिन मेरा मूड बहुत गंदा भी जाता है ना, मैं सोचती हूँ भाई कम ऑन चिल मारो, एक ही लाइफ है, ऐसे उदास सा डिप्रेशन सा मत रहो, तो खुद को मैं चेयर अप करती हूँ कि नो खुशबू, यू नीड टू फील गुड, यू नीड टू फील गुड बाई डूइंग समथिंग. तो मे बी समथिंग अदर अदर मैं करती रहती हूँ, कभी वर्कआउट, कभी अब मुझे कुछ खाना है तो खाना, कभी मुझे खरीदना है तो खरीदना. सो जितना भी हो सके ना मैं आपको खुशी रखती हूँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स आई एम हैप्पी. और आई जस्ट होप जिसने भी मुझे ये क्वेश्चन पूछा, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड. और इनकेस ये वीडियो मेरा आप देख रहे हो तो मुझे कॉमेंट कीजिए आप कैसे हो. दूसरा क्वेश्चन इज योर है स्केड्यूल. सो आप लोग मेरे बाल, तो आई थिंक बहुत सारा कॉमेंट आता है मुझे कि आपका बाल कितना अच्छा है, वेवी है, कर्ली है, बहुत ब्लैक है, शाइनी है. आई डोंट नो वीडियो में ऐसे कैसे दिख लेता है, पर मेरा बाल सच में अच्छा नहीं है. इनफैक्ट स्टोरी टाइम, ये वीडियो में थोड़ा मैं स्टोरी भी रिलेट करूंगी, ठीक है. तो व्हेन आई वाज इन क्लास 8 आई थिंक, हमेशा मुझे प्रॉब्लम रहता था मेरा बाल से, बिकॉज मेरा ना यहाँ पर जो है ना बाल बहुत कर्ली है, तो मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहता था मेरा ही बाल ऐसा क्यों है, मेरा भी स्ट्रेट होता बाल ये वो करके ना. आई थिंक ऑलमोस्ट क्लास 7 या क्लास 8 से मैंने स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब परमानेंट स्ट्रेट करती थी. आई थिंक एवरी ईयर मैं करने लगी, आई थिंक 7 या 8 से मैं करने लगी, 8 में भी किया, 9 में भी किया, 10 में भी किया, और 11 या 12 में मैंने एक बार किया, पर क्या हो गया बीच में मेरा बाल एकदम ही निकल गया था, मतलब इतना छोटा कर दिया था डरा के. तब से मुझे डर लगता है कि स्ट्रेट करने में भी, सोचती हूँ, पर आई थिंक अभी भी बहुत टाइम हो गया मैंने स्ट्रेट नहीं किया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर से तो ज़्यादा हो गया, पर ये ऑलमोस्ट मेरा नेचुरल बाल है, पर नीचे नीचे थोड़ा स्ट्रेट भी है, आप देख सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेट है और यहाँ पर थोड़ा वेवी है. और मेरा स्केड्यूल तो कुछ नहीं है, मैं हेयर के बारे में आई थिंक मैं इतना केयर तो नहीं करती हूँ मैं अपना बाल का, बस मैं ऑयलिंग करती हूँ कभी कभी, और शैम्पू एंड कंडीशनर तो मैं नॉर्मल सा यूज़ करती थी. बीच में तो मैं मेहंदी वगैरह भी लगाना स्टार्ट कर लिया था, बीच में वो मास्क होता है ना लॉरियल का वो भी यूज़ करना स्टार्ट कर लिया था, पर आजकल मैं कुछ नहीं करती, मैं कभी कभी ऑयलिंग कर देती हूँ, बिकॉज बाल जब बहुत ही ड्राई हो जाता है बहुत गिरने लगता है इधर बाल उधर बाल, तो इसलिए मैं आजकल क्या करती हूँ कभी कभी ऑयलिंग कर देती हूँ. वरना तो हेयर के बारे में तो आई थिंक आई ऑल्सो इनफैक्ट मैं कुछ नहीं करती. इनफैक्ट इफ यू गाइज हैव एनी हेयर केयर स्केड्यूल विच इज नाइस एंड विच वर्क्स फॉर यू लेट मी नो सो दैट यू नो मैं भी कर सकूँ मेरे बाल के बारे में कुछ, बिकॉज मेरा बाल एकदम झाड़ू जैसा है, पता नहीं वीडियो में ऐसे अच्छा क्यों कैसे दिख देता है. एंड सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अब स्टोरी टाइम बहुत लंबा हो गया. एडवाइस ऑन स्किन केयर. स्किन केयर अगर आप लोग ने मेरा पहले वीडियो देखा हो या मुझे आप पहले से फॉलो करते हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब में, तो आप लोग ने देखा ही होगा कि बीच में मेरा बहुत ही पिंपल्स हो गया था. इनफैक्ट
ये अक्टूबर में तो 3 ईयर्स हो जाएगा मेरा बहुत ही पिंपल्स, एकदम ही पहले नहीं था पर 3 ईयर्स से मेरा बहुत ही पिंपल्स आने लगा, तो मैं बहुत सारा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, दिखाया, ये किया, वो किया, दवाई किया, पर नथिंग वर्क्ड। एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं पानी नहीं पीती हूँ, पानी में पीती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं पीती हूँ, देखिए बॉटल यहीं पर रहता है हमेशा साइड में, बेड के साइड में, सो दैट यू नो व्हेन एवर आई वॉन्ट वाटर, बेड में ही होती हूँ हमेशा, तो मैं पानी पी लूँ बोल के। सो मेरा आई थिंक एक्ने 3 ईयर्स हो जाएगा इस अक्टूबर में, तो मैंने कुछ नहीं करती मैं, तो बस मैं आप लोग को पहले भी वीडियो में मैंने बोला ये कि मैं CTM करती हूँ, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, और बीच में एक सीरम भी यूज़ करती हूँ। अब मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ऐसा नहीं कि आपके लिए भी काम करना लगेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, पर एडवाइस क्या बोल सकती हूँ कि आप जब भी मेकअप लगा रहे हो तो एटलीस्ट रिमूव करके सो लीजिए, बिकॉज कितना जन का आदत होता है कि थक गई बोल के थोड़ा लाइट मेकअप होता है ऐसे में सो जाते हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार अपना फेस को अच्छे से, जो फेस वॉश आप यूज़ करते हो वो एटलीस्ट वो ऑयली स्किन के लिए हो, थोड़ा ड्राई पड़ता है ना अपना स्किन को, वो वैसा वाला यूज़ कीजिए। और पिलो कवर्स को एटलीस्ट वीक में एक बार चेंज कीजिए, टॉवल जो होता है धोते रहे। मैं ये सब बोल रही हूँ नॉट बिकॉज मैंने गूगल किया है, बिकॉज मैंने ये सब गूगल किया है ऑब्वियसली, पर मैं भी यही सब यूज़ करते आ रही हूँ इसलिए मेरा थोड़ा अच्छा हो रहा है स्किन। अगर आपका काम ऐसा है कि डेली बेसिस में आपको मेकअप लगाना पड़ता है, कम ही क्यों ना हो, या आपको हफ्ते में एटलीस्ट 4 से 5 बार मतलब मेकअप करना है, तो एटलीस्ट डू योर CTM। CTM आपने मैंने बोला ये पहले वीडियो में, CTM मतलब क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, वो फॉलो कीजिए और बिलीव इन वॉट यू डू एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू वर्क। एनी टिप्स फॉर नॉर्मल एक्ने? नॉर्मल एक्ने के लिए भी सेम है, CTM फॉलो कीजिए। आप मेकअप लगा रहे हो तो एटलीस्ट CTM फॉलो कीजिए, स्किन केयर कीजिए, थोड़ा पिलो कवर्स चेंज करते रहे, आपका जो टॉवल है वो चेंज करते रहे, और स्किन को जितना तक हो सके सनस्क्रीन लगाए दिन में, और बाहर नहीं भी जा रहे हो घर में रहे तब भी सनस्क्रीन लगाए, और पानी बहुत पीजिए। When will you return to Mirik? Very nice question, ये मुझे किसी ने पूछा नहीं था, बस मुझे पूछा था कि आप कब फैमिली व्लॉग बनाओगे, कब ये करोगे, कब बहन से मिलोगे, कब माँ से मिलोगे, पर वेरी नाइस क्वेश्चन, व्हेन आर यू गोइंग टू मिरिक, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं सरप्राइज करूंगी सबको कि मैं फाइनली घर पहुंच गई बोल के, पर ये क्वेश्चन आ ही गया तो मैं बोल ही देती हूँ, नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में मैं घर जा रही हूँ, मतलब आप लोग को फैमिली व्लॉग देखने को मिलेगा बहुत सारा, इस बार तो बहुत सारा मतलब नया नया चैलेंजेस वगैरह करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। दूसरा क्वेश्चन है योर क्वालिफिकेशन। सो आई एम 12th पास, आप लोग को तो पता ही होगा, मैंने बोला नहीं है पर आप लोग को कितना जुड़ा आई थिंक पता ही होगा। Do you get paid if you go deadhead in flight or when you not working on a flight? So, मैं पहले आप लोग को बोलती हूँ कि deadhead क्या होता है। Deadhead मतलब मान लीजिए कि आज आपका ड्यूटी है यहाँ से कैलकाटा जाना पड़ता है, मतलब चेन्नई से कैलकाटा, तो कैलकाटा यहाँ से कैलकाटा आप फ्लाइट में सर्विस करोगे, पैसेंजर सर्व करोगे, ये सब करोगे, आपका काम नॉर्मल जो एक क्रू का काम होता है वो सब करोगे। और मान लीजिए कि कैलकाटा से आपको काम नहीं करना पड़ता है, दूसरा सेट ऑफ क्रू यानी कि दूसरा क्रू आएंगे और आपका काम करेगा, मतलब वो फ्लाइट ऑपरेट करेगा, और आपको क्या करना है पैसेंजर जैसे होके सीट में बैठ के आना है खाली, तो वो उसका मतलब होता है डेडेड, वो ड्यूटी में ही हो पर बस आप काम नहीं कर रहे हो, आप पैसेंजर जैसे होके एक सेक्टर ऑपरेट करके, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको सेक्टर ऑपरेट नहीं करना है, चेन्नई से मुंबई में मतलब क्रू का शॉर्टेज है, तो मैं भी आपको यहाँ चेन्नई से खाली रेडी होके मेकअप करके मतलब ड्रेस लगा के वहाँ पर जाना पड़ता है, और वहाँ पर होटल में रह के मैं भी नेक्स्ट डे ऑपरेट करना पड़ता है, बट सिनेरियो देख देख के होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है वो के, सो उसको बोलते हैं डेडेड, जहाँ आप ऑपरेट नहीं करते हो पैसेंजर जैसे होके जाते हो। सो डू यू गेट पेड इफ यू गो डेडेड इन अ फ्लाइट? Yes, of course, हम लोग काम ही कर रहे हैं तो उसका पैसा हमें मिलता है, एंड फ्री में खाना भी मिलता है हम लोग को, बिकॉज ऑब्वियसली हम काम कर रहे हैं कंपनी के लिए तो इतना तो बनता है। एंड वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एयर होस्टेस? आई थिंक एक या दो चीज तो नहीं बोल पाऊंगी, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एयरलाइंस में एज एयर होस्टेस जब आप काम कर रहे हो। फर्स्ट तो BMI, यू शुड मेंटेन योर BMI, मतलब योर वेट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर हाइट। दूसरा है स्कार्स, मतलब पिंपल्स वगैरह, थोड़ा तो मेरा भी है ऑब्वियसली, आप लोग बोलेंगे कि आप पिंपल्स के बारे में बात कर रहे हो, खुद का ही पिंपल्स, ऐसा नहीं है, मेरा पिंपल्स जो है मेकअप से कवर हो जाता है, जैसे अभी देखिए मेरा पिंपल्स मेकअप से कवर हो जाता है, पर किसी का पिंपल्स होता है कि मेकअप से भी कवर नहीं होता है,
तो वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका ज़्यादा ही पिंपल्स है जो विजिबल है जब आप मेकअप भी लगा रहे हो तो नहीं चलेगा. एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्माइल. स्माइल तो एवरी टाइम यू शुड बी देयर व्हेन यू आर इन योर यूनिफॉर्म. स्माइल इज़ इम्पॉर्टेंट. इंटरव्यू के लिए भी कितना जन ने पूछा है कि क्या टिप्स है कैसा है, तो फर्स्ट टिप इज स्माइल. स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन ऑब्वियसली. स्माइल एंड ग्रूमिंग. ग्रूमिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको कैसे मेंटेन कर रहे हो, मेकअप कैसे कर रहे हो, लिपस्टिक कैसे लगा रहे हो, आईलाइनर कैसे लगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कैन 51 बी कैबिन क्रू इन इंडिगो एयरलाइंस. हाइट के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बोल दिया है कि पहले भी वीडियो में बोल दिया है कि कितना हाइट रिक्वायरमेंट है एक एयरलाइन का. तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वो देख के देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट क्या होता है एयरलाइंस का. टीथ रिक्वायरमेंट्स फॉर कैबिन क्रू. ऐसा तो आई थिंक रिक्वायरमेंट कुछ नहीं रहता. टीथ रिक्वायरमेंट तो आई डोंट थिंक कुछ रहता है. बस जब आप हंसते हो, बेसिक मैंने अभी बोला कि हंसना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एविएशन इंडस्ट्री बिकॉज ऑब्वियसली यू आर डीलिंग विद पैसेंजर इन फ्रंट. सो इनफैक्ट एविएशन में ही नहीं, सब जहाँ पर कस्टमर के साथ आप लोग डील करना पड़ता है, आई थिंक स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका स्माइल आपको सूट करता है, आप अच्छे दिखते हो जब स्माइल कर रहे हो, तो या यू आर गुड टू गो. दी व्हाट इज योर हॉबीज एंड येस दी और यू अ फूडी प्लीज पिक माई क्वेश्चन. लव तो मेरा हॉबीज बोलूँ तो मेरा तो हॉबीज देखा जाए तो बहुत सारा है. लाइक आई लव 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 फिल्मिंग यूट्यूब वीडियोज. आई लव मेकिंग रियल वीडियोज. आई लव एक्टिंग. वर्कआउट भी मुझे बहुत ही पसंद है. समटाइम्स वंस इन अ व्हाइल आई लव कुकिंग, ट्राइंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. बट ऐसा नहीं कि मुझे किचन में हर वक्त मतलब पसंद है, ऐसा पसंद नहीं. कभी कभी मतलब आई लाइक टू बी इन द किचन एज वेल. एंड दो मैं कुक करती हूँ मेरे लिए, पर most of times I don't like to be in the kitchen. But obviously पेट पूरा करने के लिए have to be in the kitchen. But sometimes you know like different kind of recipe ये वगैरह try करने में वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है. And I like to be sporty, मतलब होता है ना जितना तक हो सके sports में I love to. But यहाँ पर हो नहीं पा रहा because obviously one thing it's very hot. Second of all गर्मी में जब मैं बहुत ही जाती हूँ तो मेरे pimples बहुत ही आ जाता है. And also I love taking care of myself, my skin. हॉबीज तो मेरा ऐसा देखे जाए तो बहुत सारा है. आई लव टू यू नो रीड बुक्स एंड नॉट बिकॉज आई लव 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 टू रीड बुक्स बट मतलब ऐसे ही मतलब इंग्लिश मतलब होता है ना इम्प्रूव करने के लिए, फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए, न्यू वर्ड्स देखने के लिए, जानने के लिए बुक्स भी पढ़ना अच्छा लगता है. ऐसे तो मेरा बहुत सारा है हॉबीज. तो आई लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग. थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. योर स्किन केयर रूटीन. ये क्वेश्चन तो मुझे पहले भी आया था और मैंने पहले ही बोल लिया था कि मैं CTMS फॉलो करती हूँ, क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर एंड सीरम. एंड अगर आपको जानना है कि मैं प्रोडक्ट्स कौन सा यूज़ करती हूँ, कैसे यूज़ करती हूँ, पहले क्या ही लगाती हूँ फिर क्या लगाती हूँ, तो आप पहले वाला वीडियो देख सकते हो बिकॉज ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी उस वीडियो का. बट थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. What is the age? ये भी मैंने पहले क्वेश्चन में बोल दिया था, फिर भी बोल देती हूँ कि वी शॉर्ट है 20 years एंड 20 years ओल्ड. Tell us about how you became a cabin crew and what are. Second question तो मुझे समझ में नहीं आया कि what are क्या था, full नहीं है. पर मैं cabin crew कैसे बन गई, तो short story थोड़ा सा story बोल ही देती हूँ बिकॉज बहुत जन को जानना है. तो मैंने decide किया है कि मेरा cabin crew का journey में दूसरा एक video बनाऊंगी, पर अभी नहीं, बाद में. तो थोड़ा सा स्टोरी बोल देती हूँ. टू बी ऑनेस्ट मुझे कैबिन क्रू कभी नहीं लगा था कि मैं बन पाऊंगी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था इतना. मैं तो कॉलेज कर रही थी, पर एक दिन सडनली क्या हुआ कि मैं सिटी सेंटर जा रही थी और मेरा दोस्त का इंटरव्यू था और मुझे मेकअप करना पहले से बहुत पसंद था. तो आई थिंक 15 जून को इंटरव्यू था, 16 जून को इंटरव्यू था, आई थिंक 15 को था, 15 जून को इंटरव्यू था. 2017 आई गई 17 को 2016 को आई गए 2016 या 17 को इंटरव्यू था. तो मैं दोस्त जा रही थी इंटरव्यू के लिए और मैं नहीं जा रही थी. मैं ऐसे उसको मिलने के लिए सिटी सेंटर गई थी और मेरे पास थोड़ा सा पैसा था, 2000 या 2500 तो था. तो उसने मुझे ऐसे ही बोला मैं तो इंटरव्यू के लिए कल जा रही हूँ, तू नहीं जाएगी बोल के. तो मैंने बोला मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कपड़ा भी नहीं, फॉर्मल्स भी नहीं है मेरे पास बोल के. तो मेरे पास थोड़ा सा पैसा था, मैंने खरीद लिया और ऐसे जल्दी जल्दी में मैं इंटरव्यू के लिए चली गई.
तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कैसे हुआ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगी। तो थोड़ा सा इंटरव्यू ऐसे ही हुआ, मैं कैबिन इंटरव्यू के चली गई, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर मैं अभी यहाँ पर पहुंच गई। तो अगर आपको फुल स्टोरी जानना है तो एक दिन अच्छे से मतलब लंबा सा वीडियो बनाऊंगी मैं जर्नी के बारे में, पर अभी नहीं क्योंकि अभी दिस वीक आई एम रियली ऑक्यूपाइड, पर आई एम श्योर आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस वेरी सून, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। Another one is congratulations girl, way to go, thank you। तो आप लोग को बोल देती हूँ कि congratulations क्यों बोला गया मुझे, क्योंकि मेरा Instagram में 10K हो गया था, इसीलिए। To manage training period with college studies at the age of 18 plus after clearing the cabin crew interview. To be honest, I don't think I'm the right person कि मैं आपको बोलूँ कि ये करो और फिर वो करो ये करो, because जब मैं training के लिए select हो गई थी मेरा कुछ भी साइड में नहीं था, मे बी कॉलेज, यूट्यूब, ये रील्स, इंस्टाग्राम कुछ भी नहीं था। तो आई वॉज फुली डेडिकेटेड कि हाँ मुझे ये जॉब करना है और इसमें स्टिक होना है बोल के। सो फॉर मी इट वॉज वेरी इजी बिकॉज मेरा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं था। पर अगर आपका सोचे कि मैं साइड बाई साइड कॉलेज भी करना चाहती हूँ और ये जॉब भी करना चाहती हूँ, येस इट्स पॉसिबल, बिकॉज कितना जन यहाँ पर क्रू है जो मैं जानती हूँ वो लोग कॉलेज भी कर रहे हैं और फिर जॉब भी कर रहे हैं। पर आई थिंक जैसे आप सेलेक्ट हो जाओगे वो 3 मंथ्स जो ट्रेनिंग होता है जो कि दिल्ली में ISI में होता है जो ट्रेनिंग सेंटर है, आई थिंक तब पॉसिबल नहीं है कॉलेज साइड बाई साइड करना, आप बाद में कर सकते हो। बिकॉज ट्रेनिंग में क्या होता है आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलता है और आप नए भी हो, ये जॉब के बारे में कुछ नहीं पता रहता है आपको, कैसे करना है क्या करना है कैसे होता है कि क्या होता है, तो वो सीखने में आपको 3 महीने में वहाँ पर बहुत टाइम चाहिए और डेडिकेशन भी चाहिए, साइड बाय साइड कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद जब आप अपना फ्लाइंग स्टार्ट करोगे, अपना जॉब स्टार्ट करोगे, तब हाँ आप कॉलेज कर सकते हो। बट इफ़ यू थिंक यू कैन कि वहाँ पर ट्रेनिंग करते करते भी आप कॉलेज कर सकते हो, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड आई होप आपका कॉलेज भी ख़त्म हो जाए अच्छे से और आप इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाओ। सॉरी, नेक्स्ट डे व्हाट आई ईट इन अ डे वीडियो बनाउनु है, हुन्छ नेक्स्ट डे मैं श्योरली बनाऊंगी एक वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से कि मैं क्या खा रही हूँ दिन में, क्या खाती हूँ। रोज तो ऑब्वियसली सेम नहीं खाऊंगी, पर आपको एक वीडियो जरूर दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ दिन में बोल के, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक मतलब ये क्वेश्चन मुझे यूट्यूब में भी बहुत सारा आया है कि आप दिखाते तो हो बहुत ज्यादा कि क्या खा रहे हो कैसे खा रही हो दिन में, पर एक ऑर्गेनाइज मैनर में आप बनाओ कि क्या खा रही हो दिन में बोल के। तो श्योरली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन नेट कि मैं क्या खाती हूँ दिन में बोल के। Yeah, that's it for the video guys, यही था मेरा आज का क्वेश्चन, मतलब और क्वेश्चन था पर वहाँ पर लिखा था एज के बारे में जानना था, मेरे इनकम के बारे में जानना था, एयरलाइंस के बारे में जानना था, जो मैंने पहले Q&A में कर चुकी हूँ। तो इन केस अगर आपको जानना है आपका मैं क्वेश्चन ये वीडियो में रिप्लाई नहीं कर पाई तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो यूट्यूब में, ये यूट्यूब वीडियो में आप कॉमेंट कर सकते हो आपका क्वेश्चन कुछ भी हो। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि कुछ भी क्वेश्चन हो आपको बारे में जानना है, जॉब के बारे में हो ना या मेरे बारे में जानना हो, तो ये यूट्यूब वीडियो में कॉमेंट कीजिए एंड आई विल मेक श्योर कि जब मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो करूँ वो सारा क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दे दूँ वो Q&A में। एंड अभी तक ये वीडियो आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टिल नाउ एंड आई होप मैंने आपका क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दिया, और नहीं भी दे पाई तो मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दे पाऊंगी। मैंने अभी भी बोला कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो नीचे लिख दीजिएगा, अच्छे से टाइप कर दीजिएगा, यही टाइम है। और आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, आई लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।